तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे एंड मस्त होंगे। तो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। तो इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ ओबी फुडी अपडेट के बाद जितना भी नया सेटिंग आया है हमारे गेम में। आज की इस वीडियो में आप लोगों को सारा सेटिंग दिखाऊंगा एंड क्या काम है आप लोगों को बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो जानने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप लोगों को देखना पड़ेगा। एंड आप लोग इस चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को जल्दी जल्दी आप लोगों को सब्सक्राइब कर देना है। तो जितना भी नया सेटिंग हमारे गेम में आया है सारा आज की इस वीडियो में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। तो पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सेटिंग में चले जाना है आपका फ्री फायर गेम का। तो पहले आप लोगों को सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आप लोगों को कंट्रोल सेटिंग में चले आना है। तो जितना भी सेटिंग आया है वो सेटिंग दिखाऊंगा, नया नया सेटिंग। तो देख सकते हो आप लोगों को ऐसे कंट्रोल सेटिंग में आना है। आने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा नीचे जाना है। थोड़ा सा जैसे आप लोग नीचे जाओगे तो आप लोगों को एक नया सेटिंग देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो आप लोगों को थोड़ा सा नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद देख सकते हो इधर आप लोगों को दिख रहा होगा आइटम फाइंडर बोल के एक नया सेटिंग आया है। तो इधर पे आप लोगों को तीनों ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा इस सेटिंग में। पहला है ऑलवेज ऑन, इसके बाद है रिकमेंडेड टाइम, इसके बाद है ऑलवेज ऑफ। तो पहले ऑलवेज ऑन, ऑलवेज ऑन से क्या होता है चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ। ऑलवेज ऑन से क्या होता है चलिए आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो जैसे आप लोग ऑलवेज ऑन पे सेट करके रखते हो इस सेटिंग को, तो जब आप लोग गेम खेलते हो तो जब हमारा जो आइटम दिखाता है देख सकते हो, जो आइटम दिखा रहा है देख सकते हो, लेवल 2 का हेलमेट मेरे पास नहीं है वो मेरे को दिखा रहा है ये ऑलवेज, मतलब कि हर जगह आप लोगों को दिखाता रहेगा, मतलब कि ऑलवेज दिखाता रहेगा। तो आपके पास जो भी चीज़ नहीं है वो आप लोगों को दिखाता रहेगा ऑलवेज पे सेट करके रखते हो। तो ऐसे ही आप लोग जो सारा सामान आपके पास नहीं है वो लूट सकते हो। ऐसे ही देख सकते हो एक सामान मैंने लूट लिया एंड देख सकते हो इसके बाद और एक सामान दिखाएगा, मतलब कि लगातार आप लोगों को दिखाता रहेगा ऑलवेज ऑन सेट करके रखते हो। तो आप लोग भी इस सेटिंग को ऑलवेज पे रखते हो, देख सकते हो कुछ ही देर में आप लोगों को सामान दिखाता रहेगा। देख सकते हो सामान आ गया, तो आप लोगों को ऑलवेज मतलब कि हर जगह दिखाता रहेगा सामान है कि नहीं है। तो यही था ऑलवेज ऑन का सेटिंग। इसके बाद आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा रिकमेंडेड टाइम। तो रिकमेंडेड टाइम आप लोग सेट करके रखते हो तो क्या होगा चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ। इस सेटिंग को आप लोग अगर रिकमेंडेड टाइम पर सेट करते रहोगे तो रिकमेंडेड टाइम मतलब कि कितना देर तक दिखाएगा आप लोगों को दिखाता हूँ चलिए। तो आप लोग अगर इस सेटिंग को रिकमेंडेड टाइम पर सेट करके रखते हो तो 600 सेकंड तक ही आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा जो आइटम आप लोगों को देख सकते हो शो कर रहा है। तो ये 600 सेकंड तक आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, इसके बाद आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा, मतलब कि दूसरा सामान दिखाएगा। तो रिकमेंडेड टाइम यही है सेटिंग, मतलब कि आप लोगों को सामान दिखाएगा लेकिन 600 सेकंड तक आप लोगों को टाइम लेगा, 600 सेकंड तक आप लोगों को दिखाएगा, आप लोग देख ही सकते हो इधर। तो रिकमेंडेड टाइम से ऐसा होता है। इसके बाद आ जाएगा ऑलवेज ऑफ, ऑलवेज ऑफ आप लोग सेट करके रखते हो इस सेटिंग को तो क्या होगा चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ। इस सेटिंग को आप लोग अगर ऑलवेज ऑफ रखते हो तो क्या होगा, जब भी आप लोग मतलब कि मैच खेलोगे कोई भी मैच हो, आप लोगों को जो सामान दिखा रहा था आप लोगों को उतरते ही आप लोगों को सामान दिख जाएगा, मतलब कि दिखा रहा था कौन सा सामान आप लोगों को चाहिए वो आप लोगों को दिखा रहा था, मतलब कि आपके पास जो नहीं है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता था। लेकिन ऑलवेज ऑफ करके रखते हो तो आप लोगों को कोई भी सामान आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा, जो आपके पास नहीं है वो आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा, आप लोग देख सकते हो मतलब कि कोई सामान शो नहीं करेगा। तो ये है ऑलवेज ऑफ। तो आप लोगों को क्या करना है, इस सेटिंग को आप लोगों को ऑलवेज ऑन पे ही आप लोगों को सेट करके रखना है, क्योंकि आप लोगों को हर टाइम आप लोगों को सामान दिखाता रहे इसलिए आपको ऑलवेज ऑन करके ही इसको सेटिंग को रखना है। तो ये सेटिंग हो गया। इसके बाद आप लोगों को नया सेटिंग देखने के लिए मिल जाएगा, चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ। इसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद इधर देख सकते हो परमानेंट ग्लू वॉल बटन बोल के एक ऑप्शन है, मतलब कि नया सेटिंग है। तो आप लोग देख सकते हो ये ऑफ है, ऑफ है तो क्या होगा चलिए देख सकते हो, इधर ग्लू वॉल का बटन नहीं आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा होगा। तो आप लोग देख सकते हो इस सेटिंग को अगर जाकर आप लोग इस सेटिंग को ऑन करते हो, चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ। इस सेटिंग को आप लोग अगर ऑन करके रखते हो तो क्या होगा चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ। इस सेटिंग को ऑन करते हो तो देख सकते हो इधर ग्लू वॉल का बटन आ जाएगा। देख सकते हो मेरे पास 0 ग्लू वॉल है लेकिन फिर भी ये ग्लू वॉल बटन जो है दिखा रहा है। आपके पास ग्लू वॉल नहीं रहेगा फिर भी ये बटन आप लोगों को शो करता रहेगा, मतलब कि ग्लू वॉल शो करता रहेगा। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ। देख सकते हो एक ग्लू वॉल मार देते हो, मेरे पास 0 ग्लू वॉल है फिर भी जो है इधर पे आपका जो ग्लू वॉल का बटन है फिर भी आप लोगों को दिखाता रहेगा, क्योंकि परमानेंट जो ग्लू वॉल का सेटिंग है वो आप लोग ऑन करके रखते हो। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सेटिंग में जाना है, परमानेंट जो ग्लू वॉल बटन है देख सकते हो इधर आप लोगों को इसको ऑफ कर देना है। जैसे आप लोग ऑफ करोगे देख सकते हो इधर का जो ग्लू वॉल का बटन है, आपके पास अगर ग्लू वॉल नहीं रहता है तो आप लोग को जो ग्लू वॉल का बटन है वो शो नहीं करेगा, आप लोग देख सकते हो। तो ऐसे ही आप लोगों को रखना है, जब आपके पास ग्लू वॉल आ जाएगा चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे आप लोगों के पास ग्लू वॉल आ जाएगा देख सकते हो मेरे पास ग्लू वॉल आ गया एक, देख सकते हो ग्लू वॉल बटन शो कर रहा है। तो ऐसे ही आप लोगों को रखना है, मतलब कि परमानेंट जो ग्लू वॉल का बटन है इसको आप लोगों को ऑफ करके ही रखना है, क्योंकि आपके पास अगर ग्लू वॉल नहीं रहता है फिर भी दिखाता रहता है एंड आप लोगों को कन्फ्यूज होगी कि ग्लू वॉल है मेरे पास। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को परमानेंट ग्लू वॉल बटन को आप लोगों को ऑफ ही रखना है।
इसके बाद आप लोगों को चले जाना है साउंड वाले सेटिंग में। साउंड वाले सेटिंग में आने के बाद आप लोगों को इधर आप लोगों को क्विक मैसेज का एक सेटिंग दिख जाएगा, तो इधर से आप लोग क्विक मैसेज सेट कर सकते हो। मतलब कि इधर से बहुत सारा मैसेज आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। एंड आप लोग इधर से मेल एंड फीमेल का भी ऑप्शन चेंज कर सकते हो, देख सकते हो। तो इधर भी आप लोगों को क्लिक करना है, आप लोग फीमेल में मतलब कि मेल वॉइस या फिर फीमेल वॉइस आप लोग चेंज कर सकते हो। इसके बाद आप लोगों को बैक आना है, आने के बाद देख सकते हो इधर नया सेटिंग आया है, वो है एक्टिव इन डिवाइस बैकग्राउंड। मतलब कि आप लोग जब ग्रुप में रहते हो, चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ, देख सकते हो मैं ग्रुप बना लिया हूँ। मान लो आप लोग किसी बंदे से या फिर आप लोग फ्रेंड आपके फ्रेंड से आप लोग माइक से बात कर रहे हो, इसी तरह आप लोगों का जो माइक से बात कर रहे हो एंड आप लोगों का कुछ भी मतलब कि फेसबुक या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, आप लोग बैक जाते हो तो आप लोगों को गेम का साउंड सुनाई नहीं देगा। एंड आप लोग जैसे आप लोग सेटिंग में जाओगे एंड साउंड में जाओगे, चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ, जैसे आप लोग साउंड वाले सेटिंग में जाओगे एंड इधर आप लोगों को एक्टिव इन डिवाइस बैकग्राउंड बोल के इस सेटिंग को ऑन करके देख सकते हो, इधर कंफर्म कर दोगे तो आपको क्या होगा, चलिए आपको क्या होगा, चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ। जब आप लोग इधर ग्रुप पे बात करोगे, जो भी आप लोग माइक पे बात करोगे वो आप लोगों को बैकग्राउंड में मतलब कि आप बैक जब कर दोगे, आप लोग व्हाट्सएप पे चले जाओगे या फिर फेसबुक पे चले जाओगे, वो आपका गेम का जो साउंड है एंड बातें करोगे आपके फ्रेंड के साथ, वो आप लोगों को बैकग्राउंड में भी सुनाई देगा। इसलिए आप लोगों को साउंड वाले सेटिंग में जाने के बाद आप लोगों को इधर जो एक्टिव डिवाइस जो सेटिंग है आप लोगों को इसको ऑन ही रखना है। देख सकते हो इधर एक्टिव डिवाइस इन बैकग्राउंड बोल का आप लोगों को सेटिंग मिल जाएगी, इस सेटिंग को आप लोग ऑन करते हो तो आप लोग बैकग्राउंड में बातें कर सकते हो। तो इसके बाद आ जाएगा आप लोगों का जो नया जो सेटिंग है वो है वेरिफिकेशन सेटिंग। तो वेरिफिकेशन सेटिंग में आप लोगों को जाना है, जाने के बाद आप लोगों को देख सकते हो इधर नीचे दो सेटिंग ऐड हुआ है, देख सकते हो ये सेटिंग ऐड हुआ है मैच एक्शन वेरिफिकेशन फीडबैक। तो जैसे आप लोग इस सेटिंग को ऑन करोगे देख सकते हो नीचे दो सेटिंग खुल के आ जाएगा आपके सामने। इधर पे आप लोगों को दिख रहा है पहला है ऑयल वेरिफिकेशन एंड सेकेंड है ड्रॉप पार्ट वेरिफिकेशन। तो पहले सेटिंग में क्या होता है चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ। ऑयल वेरिफिकेशन सेटिंग आप लोग ऑन करके रखते हो तो क्या होगा, जब आप लोग मेडिकेट मारने जाओगे, चलिए आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। जब आप लोग आपके पास सुपर मेडिकेट है या फिर इनहेलर है या फिर नॉर्मल मेडिकेट है, आप लोग थोड़ा देर क्लिक करके आप लोग मेडिकेट मारने जाओगे, मतलब कि आप लोग एक मेडिकेट मतलब कि सुपर मेडिकेट मारना चाहते हो, तो ऐसे आप लोग रोटेशन करोगे घुमाओगे तो आपका जो फ़ोन है वो वाइब्रेट करेगा। तो इसलिए जो ऑयल वेरिफिकेशन सेटिंग है ये ऑन है, तो ऑन रखोगे तो आप लोग जब मेडिकेट मारने जाओगे थोड़ा देर क्लिक करके, मान लो आप लोग सुपर मेडिकेट मारने जाओगे तो आप जैसे घुमाओगे इस चक्के को तो आपका फ़ोन वाइब्रेट करेगा। तो इस सेटिंग को आप लोग ऑन कर देते हो तो आपका फ़ोन वाइब्रेट करेगा। इसके बाद आ जाएगा ड्रॉप पार्ट वेरिफिकेशन, इसका मतलब है आप लोग जब कोई चीज़ ड्रॉप करोगे, चलिए आप लोगों को दिखा दो, मान लो आपके बैग में कोई फालतू सा चीज़ आ गया है, सामान आ गया है, आप लोग देख सकते हो ऐसे ड्रॉप करोगे तो आपका जो फ़ोन है वो वाइब्रेट करने लगेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कौन सा सेटिंग से क्या होता है, आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग चाहते हो तो इस दोनों सेटिंग को ऑन कर सकते हो या फिर दोनों सेटिंग को ऑफ भी कर सकते हो, तो आप लोग जो चाहो ऑन कर सकते हो, जो चाहो ऑफ भी कर सकते हो। तो मैं इस सेटिंग दोनों सेटिंग को ऑफ ही रखता हूँ, तो आप लोग चाहते हो तो ऑन भी कर सकते हो ऑफ भी कर सकते हो। तो यही था जो नया सेटिंग आया है, सब कुछ आप लोगों को दिखा दिया कौन सा नया सेटिंग आया है, कौन सा सेटिंग से क्या होता है, चलिए आप लोगों को दिखा दिया, आप लोग समझ गए होंगे कौन सा सेटिंग से क्या होता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक करना है। कुछ भी समझ में नहीं आया इस वीडियो में, वीडियो को अगर पहले से देखो, शुरू से देखो, समझ में आ जाएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जल्दी आप लोगों को सब्सक्राइब कर देना है। तो मिलते हैं नया वीडियो में, आज का भी तो इतना ही।